गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल गुज्जू कार हेल्पर। तो गेम छो दोस्तों, ये वाली इंट्रो लाइन आपने शायद पहले भी सुनी होगी, शायद उसी चैनल पर जिस पर हमारे 1,60,000 सब्सक्राइबर थे। लेकिन सैडली अब वो चैनल आपको ढूंढने पर भी नहीं मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, हमारी पुरानी चैनल गुज्जू कार हेल्पर को यूट्यूब ने परमानेंटली सस्पेंड कर दिया है, जिस पर 1,60,000 सब्सक्राइबर्स थे। लेकिन दोस्तों कोई बात नहीं, हम इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। सो प्लीज आप सभी से मेरी एक विनती है कि हमारी नई चैनल गुज्जू कार हेल्पर 2.0 को सब्सक्राइब कर जितना प्यार आपने हमारी पुरानी चैनल को दिया है, उतना ही प्यार आप इस चैनल को भी दीजिए। क्योंकि अब से कार और बाइक से जुड़े सभी वीडियोस और इसके अलावा इंडियन रोड पर हुए एक्सीडेंट से जुड़ी सभी माहिती हमारे इसी चैनल पर आने वाली है। सो जल्दी से हमारी इस वाली चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो चलिए गाइस, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों हम सबको पता है कि बस काफी लंबी और ऊंची भी होती है, और उसी वजह से बस को चलाने वाला ड्राइवर भी काफी हाइट पर बैठा हुआ होता है। बस का ड्राइवर काफी हाइट पे बैठे होने के कारण दूर तक तो देख सकता है, लेकिन बस के बिल्कुल नजदीक वाला व्यू ब्लॉक हो जाता है, और उसी वजह से बस के एग्जिट सामने खड़े छोटे व्हीकल्स उसे दिखते नहीं है। जैसे कि यहाँ पर एक बाइक वाले चचा अचानक से रोड के बीच में रुक जाते हैं और पीछे से आ रही एक बस उसे टक्कर मार देती है। दोस्तों यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि बाइक वाले उस अंकल की गलती है कि वो ट्रैफिक से भरे रोड पर अचानक से रोड के बीच में ही रुक गए। रुके तो रुके, पर वो ऐसी जगह पे रुके जहाँ पर से उस बस ड्राइवर को वो दिख ही नहीं रहे थे, और फिर क्या, गलती से उस बस ड्राइवर ने उस अंकल को टक्कर मार दी। अब यहाँ पर दूसरे इंसिडेंट में भी कुछ ऐसा ही हुआ, जहाँ पर एक चलती बस के आगे से एक बाइक वाला निकलने की कोशिश करता है, लेकिन बस वाला उसे देखता नहीं है और उस बाइक को टक्कर मार के घसीटते हुए गिरा देता है। वीडियो में दिखाई गई दोनों इंसिडेंट में अच्छी बात ये रही कि वक्त रहते बस ड्राइवर ने ब्रेक लगाकर अपनी बस रोक दी, और इस इंसिडेंट के शिकार हुए दोनों बाइक वाले सही सलामत बच गए। दोस्तों ये दोनों इंसिडेंट को देखकर हमें ये सीखना चाहिए कि हैवी व्हीकल्स यानी कि बस और ट्रक के बिल्कुल नज़दीक खड़ा भी नहीं रहना चाहिए, और अपना व्हीकल भी इतनी दूरी पर खड़ा रखे कि बस या ट्रक के ड्राइवर को वो व्हीकल आसानी से दिखे। सो गाइज, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आप ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके हमारी चैनल गुज्जू कार हेल्पर को सब्सक्राइब करना न भूले। थैंक यू।